नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के दूसरे वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण क्यों होता है? ऑप्शन ए, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सॉरी जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। ऑप्शन बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन सी, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ऑप्शन डी, जब पृथ्वी सूर्य और अन्य दिव्य निकायों के बीच आती है। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सही उत्तर के बारे में सोचिए। आप ये वीडियो जब भी देखें तो सही उत्तर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जिसके कारण सूर्य से चंद्रमा तक पहुंचने वाला प्रकाश स्रोत पृथ्वी के द्वारा प्रतिबंधित हो जाता है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? ऑप्शन ए हाफ मून, ऑप्शन बी फुल मून, ऑप्शन सी विषुव या इक्विनॉक्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी फुल मून। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात में होता है। एक साल में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रति छाया को लेकर सही विकल्प का चयन करें। एक अम्बरा, गहरा एवं मध्य भाग, दो पेनम्ब्रा बाहरी भाग, तीन एंटम्ब्रा अम्ब्रा के परे आंशिक रूप से छायांकित क्षेत्र। ये सही मिलान करना है। ठीक है, तो सही विकल्प कौन से हैं? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक, ऑप्शन डी सभी एक और दो और तीन। ठीक है, तो अम्ब्रा पेनम्ब्रा एंटम्ब्रा क्या होते हैं, मिलान करिए। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी एक दो और तीन। पृथ्वी की परछाई 3 शंकु बनाती है। परछाई के एक शंकु को प्रछाया या अम्ब्रा, दूसरे खंड को छाया या उपछाया पेनम्ब्रा और तीसरे को एंटम्ब्रा कहते हैं। परछाया सबसे गहरा और अंधेरे वाला हिस्सा है।
और ये स्थिति पूर्ण ग्रहण कहलाती है। उपछाया पेनम्ब्रा वह क्षेत्र है जिसमें प्रकाश स्रोत केवल एक भाग ही अवरुद्ध करता है। ये स्थिति अंश ग्रहण कहलाती है। इंटम्ब्रा छाया का हल्का क्षेत्र जो प्रछाया से परे देता दिखाई देता है। इसमें एक परिवेक्षण वलयाकार ग्रहण को अनुभव करता है। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा से ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? ऑप्शन ए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ऑप्शन बी, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है। ऑप्शन सी, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। ऑप्शन डी, जब सूर्य की किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा आवृत हो जाए। इस प्रकार के ग्रहण के लिए चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आना आवश्यक है। इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का आवृत नहीं दिखाई देता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप दोबारा पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न हर 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे में दोहराता है तो ये किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, नोड्स चक्र। ऑप्शन बी, सारस चक्र। ऑप्शन सी, सरस चक्र। ऑप्शन डी, पायान चक्र। ठीक है, नोट साइकिल्स, सरोस साइकिल, सरस साइकिल, पायान साइकिल। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है, सारस चक्र, सारस साइकिल। 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे के सारस चक्र के बाद ग्रहण दोहराता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लड मून किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी, यह लाल चमक के साथ आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन सी, ये गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यह गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा गहरे लाल चमक का हो सकता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग निम्न कारणों से होता है। ऑप्शन ए, अंतरिक्ष में धूल के कारण। ऑप्शन बी, चंद्रमा के वायुमंडल में धूल होने के कारण। ऑप्शन सी, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण। ऑप्शन सी सही उत्तर है, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लाल रंग का दिखाई दिखता है। ओके चलिए याद रखिएगा ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान यानी एक वर्ष में चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। अगला क्वेश्चन, ग्रहण से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य पिंड से ढक जाना या पीछे आ जाना, ठीक है। ऑप्शन बी चंद्रमा द्वारा प्रकाश का आंशिक या पूर्ण रूप से अवरोधन। ऑप्शन सी पृथ्वी से प्रकाश का आंशिक या पूर्ण रूप से अवरोधन। ऑप्शन डी सूर्य द्वारा प्रकाश का आंशिक या पूर्ण रूप से अवरोधन, ठीक है। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य पिंड से ढक जाना या पीछे आ जाना। किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य पिंड से ढक जाना अथवा पीछे आ जाना ग्रहण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देती है। ऑप्शन ए पूर्ण सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी आंशिक सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी वलयाकार सूर्य ग्रहण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान डायमंड रिंग दिखाई देती है, ठीक है। चलिए पूरे होते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे चैनल के अन्य वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके दूसरे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।